जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, प्रत्याशियों के बीच वार प्रतिवार का दौर बढ़ता चला जा रहा है। वार्ड 5 कोसानगर के जयप्रकाश यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को अफवाह बताया और पूरब टाइम्स के समक्ष अपनी बात इस तरह से रखी। वार्ड 23 प्रगतिनगर रिसाली से धर्मेंद्र भगत चुनावी मैदान में हैं। वे लगातार लोगों के साथ जनसंपर्क बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा लोगों का समर्थन भाजपा के साथ है। वार्ड 23 प्रगतिनगर में मुझे और भाजपा को यहाँ पर पब्लिक में बहुत ही भाजपा के प्रति उत्साह है और लगातार हम जनसंपर्क कर रहे हैं, जिसमें हमें पब्लिक का पूरा समर्थन मिल रहा है। महिलाएं खुद हमारे साथ निकलकर कॉलोनियों में घूम रही हैं और हमारे लिए वोट की अपील कर रही हैं। देखिए, ये रिहायशी इलाका है तो यहाँ पे प्रमुख मुद्दे जो है उसमें आपका जो आज के डेट में यहाँ पे चोरियाँ जो बढ़ गई हैं वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम अपने घरों को छोड़कर 3-4 घंटे के लिए किसी शादी मैरिज हॉल पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि इतने बीच में ही चोर हाथ साफ कर ले रहे हैं। तो ये एक प्रमुख मुद्दा है। नाली, सड़क, साफ सफाई, उद्यान, ये सभी भी एक मुद्दे हैं। सुरक्षा को लेकर किस प्रकार के कदम उठाएंगे? सुरक्षा को लेकर मेरा ऐसा प्लान है कि CCTV कैमरे हर गली में, जहाँ से भी इन और आउट का ऑप्शन है वहाँ पर CCTV कैमरे लगेंगे, और इससे और बेहतर और पुलिस प्रशासन से जो हम इससे सहयोग ले सकते हैं वो सारा काम किया जाएगा।